बांदा जनपद के बबोइरू तहसील क्षेत्र अंतर्गत यात्रियों से भरा सीएनजी ऑटो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में पलट गया, जिससे ऑटो में सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई और लगभग आधा दर्जन यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं, जिनका उपचार किया जा रहा है। मामला बबोइरू कोतावली क्षेत्र अंतर्गत कोरम गांव के पास का है, जहां बाइक सवार युवक को बचाने के चक्कर में तेज रफ्तार सीएनजी ऑटो अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे खाई में पलटकर गिर गया, जिससे ऑटो में सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं अन्य लोगों को मामूली चोटें आई हैं। आसपास मौजूद लोगों ने देखते ही घटना की सूचना पुलिस में एम्बुलेंस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से घायल राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव पुत्र रामदास श्रीवास्तव उम्र करीब 55 वर्ष निवासी लोली टीका मऊ को समुदाय स्वास्थ्य केंद्र बबोइरू पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने स्वास्थ्य परीक्षण करने के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव बिसांडा थाना क्षेत्र के लोली टीका मऊ गांव का रहने वाला है, जो बिसंडा से ऑटो में सवार होकर बबोइरू तहसील किसी काम से जा रहा था, जिसकी सड़क हादसे में मौत हो गई है। वहीं ऑटो में सवार अन्य 7 यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं, जिनका उपचार किया जा रहा है। और अचानक हुई घटना से पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पंचनामे की कार्यवाही कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मैं आपका निरंजन, कहाँ रहते हैं, क्या घटना हुई है कोर्रम के पास? कोर्रम के पास सीएनजी आ रही थी, कोर्रम के पास पलट गई। कैसे पलट गई है? बाइक, अच्छा बाइक सामने आ गई है तो बचाने में अनियंत्रित होगा, पलट गई है। कितने लोग सवार थे उसमें? 8 लोग। क्या हुआ कि एक की डेड, सामने मौत, एक की मौत हो गई। आप कहाँ से जा रहे थे? कहाँ जा रहे थे? बबोइरू जा रहे थे। एक्सीडेंट का मामला आया था, क्या है? आज करीब 11 बजे राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव शनाख रामदास उम्र लगभग 55 साल निवासी लाली टीका मऊ 108 एम्बुलेंस के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बबोइरू लाया गया था, जिसका मेरे द्वारा परीक्षण करने के उपरांत मृत घोषित कर दिया।